जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र है, बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और ये हेड है, ये एसी ट्रक, इसके पहले सीलें निकल गई थी, हेड वाल की सीलें। अब जो सीलें डालेंगे, सीलें डाल के तो इसके बारे में साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ये सील है, ये सील के अंदर जो है हल्का हल्का सुपर ग्लू लगाएंगे। बिल्कुल बराबर, अब इंशाल्लाह नहीं निकलेंगे। इसके नीचे कटोरी वाशल है, छोटा सा प्रेंग इसके अंदर आएगा, ऐसे बड़ा इसके बाहर आएगा, उसके ऊपर जो ऊपर का गाइड आ जाएगी। दोनों लॉक बैठ गए, हल्की हल्की चोट लगा कर चेक करें, कोई लॉक लूज होगा तो पता चल जाएगा। यहीं पे हेड हमारे कंप्लीट हो गए हैं सारे, अब ये वन बाय वन फिट करेंगे। ये गैसकेट डालना है अभी इसके अंदर, ये ऐसे डालेंगे, ये किनारी वाली साइड नीचे आएगी। गैसकेट को ऑयल लगा देना,
गैसकेट कंप्लीट हो गए। अब गैस को फिर वन बाई वन साइड रखेंगे। एक नंबर हेड हो गया। हेड बिल्कुल बराबर बैठ के आप बोल्ट लगाएंगे। बोल्ट
ये होल्ड एक दफ़ा टन से सारे मिला दिए, अब डायरेक्ट रेड से बराबर इनको टाइट करेंगे आमने सामने का, ये वाला पहले टाइट बाद में ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, यानी क्लॉक वाइज ऐसे। हेड के बोल सारे टाइट हो गए, अब इनके अंदर ये गोटे डालेंगे। एक और होनी تنزيل ماكينة مشان شاحنة هيك في سيئة شاحنة سيئة بلوت سيئة شاحنة سمسم
कितने पैसे होना चाहिए हजार रुपये में बोर्ड 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 ये हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया। पानी वगैरह डाल रहे हैं, इंटरकूलर का पाइप, वाटर जैकेट वगैरह, फ्यूल पाइप सब कुछ लगा दिया है। अब ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल के एयर निकालेंगे, एयर निकाल के उसके बाद जो है ये केमिकल डालेंगे अंदर सफाई के लिए, क्योंकि क्लीन किया है अंदर पानी वाली जगह पर कुछ फ्यूल वगैरह को कचरे वगैरह गया तो ये सारा साफ़ करेगा। दो घंटे के बाद जो है निकाल देंगे रेडिएटर ब्लॉक, अंदर से सारा जो है क्लीन हो जाएगा। अब जो है सारा कंप्लीट हो गया, बस सड़क मारेंगे इंशाल्लाह, हवा निकालेंगे और ये पैप दूध की ऑयल चेक करेंगे, ऑयल पंप ने उठाया या नहीं। मारो जनाब, अलहमदिल्ला गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो रनिंग करेंगे, रनिंग करने के बाद जो आप पानी चेंज करेंगे और पंखा लगाएंगे, क्योंकि पंखे का एक बोल्ट टूटा हुआ था जिसकी वजह से हमने नहीं लगाया। बाकी इंशाल्लाह इसकी तीन वीडियो बनाई है कम्प्लीट, ग्लो वाली इलाज है, हड की इलाज है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो बरए मेहरबानी मेरे दोस्त भाई जो वर्कशॉपों में काम करते हैं या कि फील्ड के साथ रिलेटेड हैं उनका पहुँचा देना, ताकि उनके नॉलेज में इजाफा हो जाए। अल्लाह ताला आपको अपनी